बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब साथियों। सबसे पहले आज एक ज़रूरी बात आपसे करनी है, लेकिन उससे पहले आपको एक 53 सेकंड, जिंदगी के 53 सेकंड निकाल लेना, और 53 सेकंड का एक वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखिए, फिर डिसाइड करिए क्या आप मुसलमान हो, क्या आप इंसान हो, ये चीज़ आज डिसाइड करनी है हमने। तो एक 53 सेकंड का वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ, प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिए, फिर अगली बात करते हैं। सुन लिया जी, ये है यति नरसिंहानंद, कोई सरस्वती के क्या कुछ आगे लिखता है ये आदमी। इसने यूपी के अंदर एक प्रोग्राम के अंदर ये कह रहा है कि भाई इस बार के दशहरा के अंदर अगर आपको जलाना ही है तो रावण को नहीं मोहम्मद को जलाओ, क्योंकि उसकी वजह से हमारी जो है लाखों बेटियों बहन बेटियों का बलात्कार हुआ है। ये सही है या गलत है, क्या बोला इसने, क्या नहीं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये हद है, ये अब उस हद पे पहुंच गई है बात। हमने बहुत बर्दाश्त किया, हर चीज को बर्दाश्त किया, लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। इससे बेहतर है कि भी आप आए, मुसलमानों को लाइन में खड़ा करें और गोली मार दें, वो बेहतर है, ये हम नहीं सुन सकते। ये बात तो रही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मेरी आज जो जम्मू कश्मीर के मुसलमानों से खासकर गुजारिश है, और खासकर उनसे मैं बात करना चाहता हूं कि भाई बहुत ढोल बजा लिया आपने बीजेपी के, बीजेपी ने ये दिया, बीजेपी ने वो दिया, बीजेपी ने एसटी दिया, बीजेपी ने फलाना दिया, और घर घर में झगड़ा आपने पहुंचा दिया है, लेकिन ये सुनने के बाद भी अगर आपका खून नहीं गोला, ये सुनने के बाद भी अगर आप प्रोटेस्ट पर नहीं उतरे, ये सुनने के बाद भी अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की, ये सुनने के बाद भी अगर आप बाहर नहीं निकले, तो मैं समझूंगा कि आप मुर्दा हैं मुर्दा, क्योंकि जिंदा कौमों के बारे में ऐसे बातें नहीं की जा सकती, क्योंकि जिंदा लोगों के बारे में ऐसे बातें नहीं कर सकता कोई, तो मुझे लगेगा कि मेरी कौम आज जो है सारी मर चुकी है। अगर जिंदा होगी कौम तो अपना जिंदा होने का सबूत दिखाएगी। कल सुबह 10:15 हमने एक प्रोटेस्ट का प्रोग्राम रखा है, पीसफुल प्रोटेस्ट निकालेंगे हम, इंडियन फ्लैग के साथ निकालेंगे, और हमारी डिमांड जो है वो, अगर कोई गवर्नमेंट का कान नाक सुन रहा है तो उसको मैं बता देता हूं कि हमारी डिमांड है कि इस नरसिंहानंद जो है ये, इसने पहली बार नहीं ऐसा किया है, आप गूगल पे इसका नाम डालें, नरसिंहानंद नाम डालें इसका, और ये हर बार, हर 6 महीने के बाद, हर 1 साल के बाद, हर 3रे दिन ये आदमी जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है, हर 3रे दिन ये कोई ना कोई बकवास जो है वहां से करता है। कल के प्रोटेस्ट में सब लोग शामिल हूं, मैं एक बार दोबारा बताता हूं, कल 10:15 जलालाबाद चौक से हम शुरू करेंगे और बठिंडी मोड़ पर इसका इख्तिताम करेंगे, बिल्कुल पीसफुल तरीके से हम प्रोटेस्ट करेंगे। हम लॉ अबाइडिंग लोग हैं, लेकिन कमजोर नहीं है और मरे हुए नहीं है, जिंदा है, और अगर आप जिंदा हो तो जिंदा दिखने चाहिए कल प्रोटेस्ट में शरीक होके, अपनी जो बात रखें, मीडिया को बुलाया हुआ है, अपनी बात रखें, आज नहीं रखेंगे तो कब रखेंगे। आज अगर यह आदमी इस हद तक गुजर गया है, और तमाम मेरे हिंदू भाइयों से यह रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई इस बार रावण को ना जला के आप हजूर अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाएं, उनका पुतला जलाएं, तो क्या ये एक मुसलमान, एक बाशऊर मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है ये। मैं गवर्नमेंट से भी कहना चाहूंगा, आपने क्या कार्रवाई की, FIR लगाई, यहां तो आप छोटे मोटे चिटफिट किसी ने फेसबुक पर कुछ लिख दिया तो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस शुरू होती है, एक तरफ से हमारे ही लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ से FIR लगनी शुरू होती है, कितनी FIR हुई इसके ऊपर, ये अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे सवाल है हमारे जो कल हम प्रोटेस्ट के दरमियान मीडिया के थ्रू सरकार से पूछेंगे। और अगर आप अपने आप को जिंदा समझते हैं तो कल के प्रोटेस्ट में शरीक हो, और जो जहां से सुन रहा है इस वीडियो को वो उस एरिया के अंदर अपना पीसफुल प्रोटेस्ट रखे, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाए, अगर मुसलमान है तो, अगर नहीं तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मतलब समझते हैं हम बीजेपी ने मुसलमानों को कॉर्नर कर दिया है, लेकिन क्या सोच रहे हैं आप कि क्या कर लेगी बीजेपी, मार देगी,
हम मरने के लिए तैयार हैं, कोई हो ना हो मैं तैयार हूं। कल सुबह मेरी तमाम गवर्नमेंट एजेंसी से यह बात है कि भी अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट हमें नहीं करने देंगे, आप पीसफुल प्रोटेस्ट वहां पर करेंगे तो आप आए सीधा लाइन में खड़ा करके हमें गोली मार दें, हमें वो मंजूर है, लेकिन ये मंजूर नहीं है। ऐसे घटिया लोगों के ये बयान जो हमें मंजूर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। कल 10 बजे जलालाबाद चौक से हम प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। आप सबका वहां पर स्वागत है। आप सब लोग वहां पर आइए, अपना रोष प्रकट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।